है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने भी आज अपनी बात रखी है और इनका कहना है कि लोकसभा चुनावों में यही बेरोजगार युवा अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल चेतावनी इन्होंने सरकार को ये दी है कि लोकसभा चुनावों में ये कांग्रेस सरकार का साथ नहीं निभाएंगे, क्योंकि जो इनसे वायदा हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। कहां तो स्थायी भर्तियां करने की बात सुक्खू सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी भर्ती नहीं हो पाई है, ये इनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि आखिरकार क्यों अभी तक जेबीटी बैचवाइज भर्ती का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, इसमें इतनी ज्यादा देरी क्यों बरती जा रही है, और आचार संहिता से पहले पहले कमीशन आधार पर भर्तियां करवाने के लिए भी अधिसूचना जारी की जाए, ये भी मांग इन्होंने रखी है। हालांकि स्थायी भर्तियों को लेकर इनका एक ही सवाल है कि आखिरकार ये क्यों नहीं हो पा रही है, इतनी देरी इसमें क्यों है, और दूसरी ओर अस्थाई भर्तियां करने में सरकार आखिरकार क्यों लगी हुई है। जब मंत्रियों से या मुख्यमंत्री से हम ये सवाल करते हैं तो उनका जवाब ये रहता है कि जल्दी अभी पदों को भरना जरूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा सफर कर रही है और वंचित उन्हें अपनी पढ़ाई से रहना पड़ रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ये पद भरे जा रहे हैं। लेकिन अब जेबीटी डीएलएड की ओर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द कमीशन आधार पर भी भर्तियां करवाई जाएं और इनका रिजल्ट भी बैच वाइज का जल्दी घोषित किया जाए। तीसरी बड़ी बात इन्होंने राज्य चयन आयोग को लेकर कही है कि 13 महीने हो चुके हैं इसे बंद किए हुए, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया था, तो इनका ये मानना है कि अभी तक बहाल नहीं हो पाया है, 13 महीने हो चुके हैं, तो कितना ज्यादा समय इसमें अब और सरकार लेने वाली है, इसे भी जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए फैसला हो सकता है। और जीओईआईटी पोस्ट कोड 817 के मामले में भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। ये मामला हालांकि पहले भी कैबिनेट में गया था लेकिन फिर फाइल वापस लौटा दी गई थी, और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जीओईआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के लिए ये भी है कि क्या इस पोस्ट कोड में पोस्ट को कम किया जाएगा, क्या ये कम की जा सकती हैं, क्योंकि यंगस्टर्स भी ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कारण ये है कि पोस्ट कोड 556 की एग्जीक्यूशन पिटीशन के बाद इस बारे में कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेजी थी राय लेने के लिए, ताकि कानूनी राय ली जा सके। विधि विभाग ने अब ये फाइल वापस कार्मिक विभाग को लौटा दी है और कोई भी एक स्पष्ट सलाह इसमें नहीं दी गई है। दरअसल इसमें सिर्फ विधि विभाग की ओर से इतना कहा गया है कि कार्मिक विभाग इसमें कॉन्शियस डिसीजन खुद ले, यानी कि अब कार्मिक विभाग को या राज्य सरकार को इस पूरे मामले में एक अपने स्तर पर ही फैसला लेना होगा। तो ये भी आज जानकारी निकलकर सामने आई है। पेंडिंग रिजल्ट पर शिमला चलो का नारा भी कुछ एक पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों की ओर से दिया गया है। इसमें पोस्ट कोड 817, 903, 939, 980, 962, 970 और 928 शामिल है। अधिकतर वो जिन पर FIR दर्ज है और FIR दर्ज होने के बाद जो है अभी आगे नहीं बढ़ रही है, यानी कि FIR तो दर्ज हो गई लेकिन अगला प्रोसेस क्या रहेगा इस पर कोई भी क्लैरिटी अब सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। तो अब ये शिमला आने वाले हैं, इनकी निगाहें पहले तो कैबिनेट बैठक पर रहेगी, ये देखेंगे कोई डिसीजन इनके हित में लिया जाता है या नहीं, और उसके बाद इनकी ओर से चेतावनी ये दे दी है कि अगर इस कैबिनेट में भी कुछ नहीं होता है तो फिर ये क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती, यानी कि रिजल्ट इनके घोषित नहीं हो जाते और अगला प्रोसेस शुरू नहीं होता नियुक्तियों के लिए, तब तक फिर इनका क्रमिक अनशन जारी रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी कि अगली कैबिनेट में रिजल्ट घोषित करने पर फैसला लिया जाएगा, तो अब इसी उम्मीद में ये अभ्यर्थी बंधे हुए हैं। हालांकि 817 को लेकर ये बात कही गई थी, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब एक पोस्ट कोड में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है तो इनके लिए भी सरकार को सोच विचार